Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing about the concepts of educational statistics or the use of statistics in education. So in this series, now I am going to discuss the concept of correlation and how to compute correlation coefficient. Okay, means सहसंबंध की बात अब हम लोग करेंगे और सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है उसमें से भी स्पीयरमैन रैंक फॉर्मूला की बात करेंगे इस वीडियो में. ओके, सो द लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, सो लेट्स लर्न कोरिलेशन. देखिए, नाम ही क्या बता रहा है, सहसंबंध, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध है, ऐसी बात समझ में आ रही है ना. क्या कह रहे हैं कि कोरिलेशन रिफर वेरिएबल माने चर, चर मतलब वो जो बदल सकता है, वेरिएबल यानी कि जो जिसमें योग्यता है क्या करने की, वेरी करने की, यही तो वेरिएबल है, जो वेरी कर सके वो वेरिएबल, एबल माने योग्य, वेरी माने जो बदल सके, मतलब जिसमें बदल सकने की योग्यता हो. ओके, तो कोरिलेशन रिफर्स टू कनेक्शन, यानी कि जो सहसंबंध है वो हमको कोई कनेक्शन बताता है, कोई संबंध बताता है. इन कोरिलेशन एनालिसिस वी स्टडी द कनेक्शन और द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. जब हम सहसंबंध का विश्लेषण करते हैं तो हम उसमें ये जानते हैं या ये जानना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है. इफ टू वेरिएबल्स वेरी इन सच अ वे दैट चेंजेस इन अदर वेरिएबल्स एकम्पनी द चेंज इन वन वेरिएबल, दीज वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड. वो कह रहे हैं कि अगर वेरिएबल जो हैं, दो वेरिएबल इस तरीके से वेरी करते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज आने पर दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये सहसंबंधित हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास. आप जानते हैं कि एक सहसंबंध होता है आपकी हाइट और वेट में, यानी कि अगर आपकी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ेगा. उसी तरह से देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन लग्जरियस आइटम्स, यानी कि जो परिवार की इनकम होती है और परिवार जो पैसा खर्च करता है लग्जरी आइटम पे, मतलब जो उसने अपनी सुविधा के लिए, मतलब जो बहुत आवश्यक नहीं है लेकिन वो कर सकता है, अगर उसके पास अधिक अर्निंग होगी तो लग्जरियस आइटम पे ज्यादा खर्चा होगा. यहाँ पे भी सहसंबंध है. तो अ रिलेशनशिप बिटवीन द डोज ऑफ इंसुलिन एंड द ब्लड शुगर, है ना, आप इंसुलिन का कितना डोज ले रहे हैं और ब्लड शुगर का लेवल आपके शरीर में कितना है, इसमें भी रिलेशनशिप है. तो ये सारे रिलेशन, ये सारे वेरिएबल्स ये दिखा रहे हैं कि एक वेरिएबल को चेंज करने पर दूसरा वेरिएबल बदल जाता है. देयर मे बी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट मे इफेक्ट ईच अदर एंड अ रिलेशनशिप माइट एग्जिस्ट अमंग ऑल ऑफ देम. फॉर एग्जांपल, देयर आर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड. एक्स मे बी रिलेटेड टू जेड एंड वाई बोथ एंड जेड मे रिलेट टू वाई एंड हेंस वी कैन स्टेट दैट द कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिक टूल टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, है ना. वो कह रहे हैं कि जो मतलब तीन वेरिएबल है तो एक्स हो सकता है, वाई से भी मिलता है, जेड से भी सहसंबंधित है, वाई एक्स से भी है, जेड से भी, तो इस तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल है कोरिलेशन, कि हम ये पता कर सकते हैं इससे कि कितने वेरिएबल एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं. फिर इसमें हम वो बात नहीं आपसे कर रहे हैं, आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक मिनट, नहीं है, ये पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहता है कि टटल डिफाइंड कोरिलेशन एज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इज यूजुअली कॉल्ड कोरिलेशन. वो कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में साथ साथ अगर वेरी करने का जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, वही सहसंबंध कहलाता है. कोरिलेशन इज द डिग्री ऑफ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, यानी कि जो सहसंबंध है वो एक तरीके की डिग्री है, एक सीमा है जो हमको ये बताती है दो या दो से अधिक चरों के बीच में अंतः जो संबंध है उसकी डिग्री बताती है कि किस सीमा तक जुड़े हुए हैं. इट इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिक्स. और ये एक तरीका है जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि उन चरों के बीच में किस अमाउंट का रिलेशनशिप है. इसी क्रम में बता दे रही हूं कि कोरिलेशन आप समझ ही गए होंगे कि तीन तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. पॉजिटिव कोरिलेशन मींस कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, चीज मतलब वेरिएबल, यानी कि अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है, अगर अर्निंग बढ़ रही है तो लग्जरियस आइटम पे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है. तो ये सब पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल हैं. नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है कि जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम होती है, तो ये कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है. और ऐसा भी हो सकता है दो ऐसे वेरिएबल जो एक दूसरे से कहीं भी कोई भी तरीके से संबंधित नहीं है, कि आप आपकी फिजिकल अपीयरेंस और आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये जीरो कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगा. ठीक है, तो ये तो हुआ सहसंबंध. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, इसकी विशेषताएं क्या है. ऑल्दो
Correlation analysis establishes the degree of relationship between variables. It fails to throw light on the cause-effect relationship. यद्यपि हमको सहसंबंध ये बताता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो सहसंबंध या संबंध की सीमा है उसके बारे में बताता है, पर वो ये नहीं बता पाता कि कॉज इफेक्ट मतलब कि कौन कारण है, कौन प्रभाव है, किसकी वजह से कौन बदल रहा है, ये नहीं बता पाता है। तो ये इसका एक गुण है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स मे बी ड्यू टू चांस स्पेशली व्हेन द सैंपल टेकन इज स्मॉल इन नंबर। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको जो सहसंबंध दिखाई दे रहा हो वो बाई चांस हो, मतलब एक्चुअली नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी नहीं है। और ये खास तौर से तब होता है जब आपने छोटा न्यायदर्श लिया हो। तो ये हो गया आपकी कोरिलेशन की डेफिनेशन, कोरिलेशन क्या है। अब हमको जो निकालना है, जब आपसे फॉर्मूला सवाल पूछा जाएगा कि स्पीयरमैन के रैंक मेथड की सहायता से कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए। और जनरली इसमें दो सब्जेक्ट में बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए जाते हैं, बताया जाता है कि पूछा जाता है कि इसका आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के बताएं। तो इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द वेरिएबल्स क्वांटिटेटिवली बट कैन बी अरेंज इन सीरियल ऑर्डर देन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट एप्लीकेबल। देखिए कार्ल पियर्सन का भी प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, पर यहाँ पे हम स्पीयरमैन रैंक पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इन्होंने कहा कि क्या करा जाए, इन दिस मेथड द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंडिविजुअल्स को एक क्रम में अरेंज कर दीजिए, देयर बाय ऑब्टेनिंग फॉर ईच इंडिविजुअल ए नंबर इंडिकेटिंग इट्स रैंक इन द ग्रुप। तो उससे क्या होगा, आप जैसे ही आप सीरियली अरेंज करेंगे आप उसको रैंक कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहां तक हो। दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज ऑफन कॉल्ड अ नॉन मेट्रिक कोरिलेशन एज इट इज अ मेजर ऑफ कोरिलेशन फॉर टू नॉन मेट्रिक वेरिएबल्स दैट रिलाई ऑन रैंकिंग टू कंप्यूट द कोरिलेशन। ठीक है, ये आपके मतलब। अच्छा, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, इसके गुण अवगुण क्या है, कि मेथड इज क्वाइट सिंपल एंड इज कंपेरेटिवली एन इजियर वे टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आसान तरीका है, आप दो चरों के बीच में सह संबंध निकाल सकते हैं, और इजिली इन दी केस ऑफ नॉन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आप इसमें गुणात्मक चरों के बीच का भी संबंध निकाल सकते हैं। थ्रू दिस मेथड ऑर्डिनल रैंक्स कैन बी गिवन इजिली टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट बोथ वेरिएबल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ये मान के चला जाता है, माना जाता है, अजम्पशन है, इसकी मूलभूत मान्यता है इसके पीछे कि जो दोनों चर हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते होंगे, बट हो सकता है कि ये ऐसा ना भी हो, है ना। इट ओनली डिस्क्राइब्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड डज नॉट इंटरप्रेट एनीथिंग अबाउट द नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये सिर्फ हमको एक रेखीय संबंध बताता है कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो वो बढ़ रहा है, बट नॉन लीनियर रिलेशनशिप के बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता है। इन द केस ऑफ लार्ज डेटा गिविंग रैंक्स इज अ बिट कंबरसम। वो कह रहे हैं कि अगर बहुत बड़ा आंकड़ा है तो आपको रैंकिंग करने में दिक्कत होगी। व्हेन ग्रुप डेटा इज अवेलेबल दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। और अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ा मिला है तो आप ये तरीका नहीं लगा सकते। तो ये इसके गुण और अवगुण हो गए। अब फॉर्मूला देख लीजिए, ये एक आसान सा इसका फॉर्मूला है। आर आर इज इक्वल टू क्या है, रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट, इसलिए आर है ना। रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट इज इक्वल टू 1 - 6σ d² हम लोगों ने बार बार जान लिया कि इसको सिग्मा बोला जाता है, समेशन के साइन को। तो 1 - 6σ d² डी क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन पेयर्ड देम इन टू सीरीज। हमको दो आंकड़े दिए जाएंगे ना, तभी तो दो वेरिएबल दिए जाएंगे, तभी तो हम दोनों की तुलना करेंगे। तो उन दोनों की हम दोनों को ऑर्डरली अरेंज करेंगे, दोनों को रैंकिंग देंगे, तो एक रैंक में से दूसरी रैंक घटाएंगे तो डी आ जाएगा। और n क्या है, हमेशा की तरह टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो बस यही फॉर्मूला हो गया, 1 - 6σ d² n into n² - 1। मतलब n बाहर है, अगर अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n³ - n, जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसमें सबका गुणा किया जाता है ना, तो n है तो n का अंदर ले लेंगे तो n³ n² into n यानी n³ - n। ठीक है, तो देखिए दो विषयों में बच्चों के नंबर दिए हैं, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ए, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट बी, ये है इस तरीके से। ठीक, अब आप इसको क्या करिए, सीरियली लगा लीजिए, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट ए की रैंकिंग कर दीजिए। देखिए कहाँ से होगी रैंकिंग, यहाँ से हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट बी, अब इसकी रैंकिंग करने में आपको देखिए बहुत ध्यान देना होगा, ऐसा कोई अंक छूट जाएगा तो कई बार इसको रैंक करना पड़ता है। देखिए सबसे छोटा अंक है 37, 37 को नंबर एक दिया, बीच में कर्सर कहाँ से, 37, फिर 52 को दूसरा नंबर मिला, 57 को तीसरा, 68 को चौथा, 77 को पांचवा, 82 को छठा, इस तरह से करके 10 नंबर आपने इसमें दे दिया। अच्छा, ये तो ईजी है। कई बार ऐसा होता है कि दो नंबर एक ही है, जैसे मान लीजिए 68 68 है,
तो 68 को आपने 4 दिया है ना, लेकिन 68 68 दो बार हो जाएगा तो कैसे नंबर देंगे, किसको 4 देंगे किसको 5 देंगे, तो दोनों को 4.5 दे देंगे, यानी कि 4 + 5/2, 4.5 4.5 कर दीजिए, तो दोनों अंक आप यूज कर चुके हैं ना, चौथी रैंक भी यूज कर चुके हैं, पांचवी भी रैंक यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद जो नंबर होगा उसको छठी देंगे। इस तरह से कई बार टाइड स्कोर आ जाता है कि टाई है, तो हम दो वो उसके रैंक एक आगे वाली रैंक जोड़ के उसका आधा करके दोनों को देके वो रैंक स्किप करके आगे चले जाते हैं, तो ये एक इसका तरीका है। ठीक है, तो अब आपका आर वन आ गया, आर टू आ गया, अब आर वन माइनस आर टू यानी कि डी का स्क्वायर कर लीजिए, 10 में से 9 हो गया, 1 9 में से 7 गया, 2 सबका स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से करते हुए आपको पूरा डी स्क्वायर पता चल गया, बस हो गया काम खत्म, डी स्क्वायर आपको मिल गया, सारा जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 44 आ गया, बस फॉर्मूले में और कुछ रखना ही नहीं है, एन इज इक्वल टू 10 है, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्कोर्स। आ जाइए फॉर्मूले में, R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना था 44, एन कितना था 10, तो एन को अंदर ले लिया ना तो क्या हो गया एन क्यूब माइनस एन हो गया, तो 10³ - 10, 10³ का क्या मतलब है 10 × 10 × 10 यानी क्या हो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1 - 6 × 44 की जगह हो गया 264 और ये 1000 1000 हो गया, 1000 में से 10 गया क्या 990। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, पहले यही बॉड मास का नहीं मैंने तो एक में से इसको घटाने लगेगा नहीं, एक में से क्या घटाना है इस अंक को पहले लेकर आइए, तो 264/990 करेंगे तो जो भी आएगा 0.2 समथिंग आएगा, तो एक में से घटेगा तो 0.733 आ जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि ये जो अंक है वो एक से ज्यादा आ जाए, एक से ज्यादा आ जाएगा तो साइन माइनस में आएगा, यानी कि सहसंबंध जो है वो ऋणात्मक है, लेकिन इसमें चूंकि धन चिन्ह आया है इसका मतलब दोनों विषयों के मार्क्स जो है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, धनात्मक रूप से सहसंबंधित है और 0.73 यानी हाईली कोरिलेटेड है, यानी कि 0.5 यानी कि आधे से ज्यादा परसेंट, लगभग 75% का कोरिलेशन है ना, तो 0.73 हो गया। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आप इसकी व्याख्या भी कीजिए, तो आप व्याख्या यही करेंगे कि चूंकि 0.733 आया है कोरिलेशन कोफिशियंट, इसका मतलब बहुत ज्यादा नंबर से बहुत ज्यादा मात्रा में डिग्री में कोरिलेटेड है और पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि ये धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। ठीक है, तो हो गया, बहुत आसान है। स्पीयरमैन रैंक फॉर्मूला छोटा सा फॉर्मूला है, 1 - 6 सिग्मा d² / n × n² - 1, रैंकिंग बस करनी है, ऑर्डर लगाइए, दोनों को रैंक दीजिए, एक रैंक में से दूसरी रैंक घटा दीजिए, टाइड स्कोर है तो दोनों वो और उसकी एक रैंक आगे वाले को जोड़ के आधा करके दोनों को नंबर देके वो रैंक स्किप करके आगे चले जाइए, इतना सा काम है। R1 में से कितना छोटा सा कैलकुलेशन है, R1 में से R2 घटाइए, छोटा छोटा अंक आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, सारे विचलन के स्क्वायर को जोड़ लीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर पता चल गया, n पता चल गया, और कुछ रखना ही नहीं है फॉर्मूले में, निकल आएगा। ठीक, तो आसान था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।